हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और वो है ग्लिटरी टॉप के ऊपर। अगर आप ग्लिटरी टॉप कौन सा भी अगर वेयर कर रहे हो तो आप इस टाइप का मेकअप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मेरे फेस को हाइड्रेट करने के लिए फर्सालिंग ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। मेरे को ज़्यादा फेस को यानी ऑयली नहीं दिखाना है, इसलिए मैंने ओनली फॉर 1 to 2 ड्रॉप हैंड में लेकर अच्छे से फेस पर मसाज कर दूंगी। अब मैं मेरे फेस को अच्छे से प्राइम कर रही हूँ। प्राइमर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का। अब मैं मेरे फेस की करेक्टिंग कर दूंगी। करेक्टर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का जॉकी करेक्टर, और इसमें करेक्टर में मैं ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पर है बहुत ज़्यादा रेडनेस। मेरे चीक्स और नोज़ वगैरह रेड रहते हैं, तो वो क्या मेरा जो फाउंडेशन है वो पिगमेंटेड नहीं दिखता है। तो अगर हम करेक्टिंग करते हैं पहले तो हमारा जो फाउंडेशन है उसका कलर एकदम इवन लगेगा, हमारे फेस का भी कलर एकदम इवन लगेगा। तो मैं इसको जहाँ पर भी मेरे रेडनेस है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। एकदम थोड़ा सा ही लेना है और अब इसको अच्छे से मैं फिंगर से ही स्प्रेड करूँगी, और डैब मोशन में ही करना है हमको, उसको स्प्रेड नहीं करना है नहीं तो ये टिकेगा नहीं। और अब मैं मेरे फेस की करेक्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ क्रायलोन का डर्मा पैलेट। मैं मेरे आईब्रो को अच्छे से फिल कर दूंगी, तब तक मेरे जो फेस की करेक्टिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। आईब्रो डिफाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर फॉरएवर 52 की ब्राउ लाइनर। आईब्रोज को अच्छे से फिल कर दिया है और इसको अच्छा शार्प लुक देने के लिए हम कंसीलर से कंसील करेंगे, और कंसीलर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का। मैंने मेरे आईब्रोज को अच्छे से कंसील कर दिया है और अब मैं मेरी आईज पर एज अ बेस कंसीलर को लगा दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं मेरे कंसीलर को अच्छे से सेट कर दूंगी, और सेट करने के लिए मैं यहाँ पर मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज कर रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की कोको चार्मिंग पैलेट। इसमें मैं फर्स्ट ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ हॉट चॉकलेट। इस कलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा डार्क शेड लेकर मैं मेरी डायरेक्ट क्रीज पर अप्लाई करूँगी। और अब मैं आईलाइनर लगा दूंगी, और आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की। आईलाइनर मैं यहाँ पर विंग वाला ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ओनली फॉर सिंपल यानी आईज के अंदर ही आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस आईलाइनर को मैं अच्छे से स्मज कर दूंगी, और स्मज मैं यहाँ पर ब्राउन शेड लेकर करूँगी। मेरा एक आई का आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसके मिडल में मुझे शिमर लगानी है, और शिमर मैं यहाँ पर गोल्डन और पीच टोन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी क्योंकि मेरा आउटफिट भी इसी टाइप का है। इसलिए
एक आई का आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं दूसरी आई का आई मेकअप करके आपसे मिलती हूँ। अब मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट एरिया को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर से कंसील करूंगी जिससे वो अच्छे शार्प लगे। और यहाँ पर मैं अगेन यूज कर रही हूँ शुगर का कंसीलर। और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी ब्रश की हेल्प से। अब इस कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट में यहाँ पर मैक का यूज कर रही हूँ अगेन। अब मैं मेरे फेस की कॉन्टोरिंग कर दूंगी। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फॉरवर 52 की पैलेट। अब मैं यहाँ पर ब्लश यूज कर रही हूँ, ब्लश मैं यूज कर रही हूँ शुगर का और इसका शेड है 04 सैल्मन सुपरस्टार। बहुत ही प्यारा पिंकिश शेड है इसका। और अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर दूंगी। हाईलाइटर के लिए भी मैं यहाँ पर शुगर की ही क्यूट सी छोटी पैलेट यूज कर रही हूँ और इसका शेड है 02 गोल्ड ग्लोरी। इसका थोड़ा सा पिचेस अंडरटोन है जो मेरे टॉप के साथ परफेक्ट जाएगा, इसलिए मैं ये वाला हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। और अब मैं मेरी ब्राउ बोन को इसी से हाईलाइट कर दूंगी। और इनर कॉर्नर को भी मैं इसी से हाईलाइट कर दूंगी। और अब मैं काजल लगा दूंगी क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है काजल। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर के। और काजल को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने के लिए मैं ब्राउन शेड ही वापस यूज करूंगी। ऑल सेट डन। और अब मैं मस्करा लगा दूंगी और मस्करा भी मैं यहाँ पर शुगर का ही यूज कर रही हूँ। लैश मॉम मस्करा है ये, हमारी लैशेस को वॉल्यूमनाइज करता है। और लास्ट में आती है लिप्स की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप प्राइमर लगा दूंगी जिससे मेरी लिपस्टिक लॉन्ग स्टे करेगी। और लिप प्राइमर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का। और लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की। यानी ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप ग्लोज है, पर इस लुक के साथ परफेक्ट जाएगा। मेरा पूरा मेकअप हो गया है। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज करूंगी और सेटिंग स्प्रे में यहाँ पर शुगर का यूज कर रही हूँ और इसका नाम है मैच। और ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अगर ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं इस लुक की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप चाहते हैं तो वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे फोटोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।